रेडी हो पापा जी? तुसी रेडी? जूते नवे नहीं पाए? जूते नवे खोज ले, ओ सही नहीं आए। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी बारात आने वाली है एक दो घंटे में, फिर जाएंगे उनका स्वागत करेंगे। ओके, रिबन कटिंग होगी एंड उसके बाद खाना पीना। और अभी फिलहाल पापा जी यहाँ गाड़ी साफ कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो। यहाँ पे मेरे चाचू जी भी लगे हुए हैं। न्यू गाड़ी बोलते तो बस गाड़ी धुली जाएगी थोड़े दिन में और फिर बढ़िया सुंदर गाड़ी लेके जाएंगे तो मस्त भी लगेगा ना। सो गाइज, अभी हम शॉप में आए थे कपड़ों वाली और यहाँ पे मेन तो हम बेल्ट खरीदने आए थे। पैंट काफ़ी लूज है ना उसके लिए, और साइज तो मिल गया था बट थोड़ी सी वो ज़्यादा बड़ी थी बेल्ट, और उसको बस और कटिंग करवा के इतना छोटा कर दिया गया है। अब यही पहनना है अपने को, ठीक है। अभी भैया बाहर गए हैं लेके उसको, उस पर थोड़े से छेद वेद करने हैं लेदर के अंदर और फिर सही हो जाएगा। गाइस यहाँ खुशदेव भैया भी आ चुके हैं, एंट्री मार ली इन्होंने। और अभी अपन चलते हैं, चलो बारात आ चुकी है, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लगेंगे। खाना वाना भी खाना है, पहले खाना वाना खा ले फिर उसके बाद स्वागत करेंगे अच्छे से, है ना भैया? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ गुरप्रीत भैया किने क्या किने के 10-15 से मिनट बरात होगी तो किन्ने जाओगी? ब्राज नहीं, नेटो नहीं, लेट आओगी। अच्छा, बहुत लेट है, अभी तो लेट हो जाएंगे, गुरप्रीत भैया का यही कहना है, मेरा अनुभव है। यहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और पापा जी ने तो और दाल चावल खा रहे हैं अभी। मैं देखो दही बल्ले लेके आया हूँ, खा ले। मैं तो अभी स्टार्ट किया है अभी, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। सो ये लो गाइस, दोनों की कार भी देख लो आप एक बार। और यहाँ पे गाइज रिबन कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है। सो ये देख लो कुछ सजावट है ऐसी। गाइस रिबन कटिंग सेरेमनी हो चुकी है एंड अभी गुरुद्वारे में जाना है, वहाँ पे मेन वेडिंग होगी। सो ये देखो वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, वहाँ पे दुल्हन भी जा रही है देखो। ओके, सो अपने को वहीं जाना है बस। पापा जी आ रहे हैं रुमाल लेके, रुमाल नहीं है मेरे पास, बिना रुमाल के नहीं जा सकते ना, तो बस पापा जी आ रहे हैं 2-3 मिनट में तो फिर जाएंगे अपन अंदर, और तो फिर उसके बाद तो मेन शादी हो जाएगी, फिर दुल्हन की विदाई है। A few moments later. Guys, यहाँ पापा जी रुमाल लेके आ चुके हैं। हाँ जी, ये देखो। तो अब अंदर चलते हैं जल्दी से, ओके? ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। Let's go. जूते वूते भी उतारने हैं ना। Sukhar bhare tum pe ho, sukhar
सो गाइस मेन ऊपर अब जो गुरुद्वारे में जो शादी वगैरह होते हैं फेरे लेते हैं वो कंप्लीट हो चुका है एंड अभी तो फिलहाल फ़ोटो शूट हो रहा है अलग अलग पोजेज में, अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ पे, सो दूल्हा और दुल्हन एक साथ ओके। तो अब उसके बाद सीधा वहाँ जाएंगे टेंट में, वहाँ जाके अभी खाना है, रोटी वोटी खानी है हमें जल्दी से, तो वहाँ चलते हैं और शाम के वक्त विदाई हो जाएगी, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी वेडिंग। फिर क्या अगले दिन फिर से है बारात है तो हम लेके जाएंगे बारात, तो मज़ा आएगा। हम भैया जी की शादी है पवन भैया की, सो देखना मत भूलिएगा कल का व्लॉग। सो गाइस अभी हो रही है विदाई यहाँ पे दुल्हन की एंड अभी गाड़ी जाने वाली है कुछ ही देर में। You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes but only just sometimes. Inhale your smoke but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now but you don't understand. I'm calling out to you. Chako ji chako. हेलो सर, हेलो गाइस, आप आ गए जी। चार चार बंदे बैठे जी फिलहाल, असी बोलते हैं बोलना तो फिर उठी और बैठ गए और हम घर पे जा रहे हैं गाइस अभी फिलहाल। Two thousand years later. सो गाइस अभी अपने आए थे अनूपगढ़ भैया घर पे और अब जाने वाले बाजार, भैया को सामान चाहिए एंड बेल्ट वगैरह कपड़े और हमारा 100 के फॉलोवर मैन बैठा है इधर और चैनी भी आया है जैसे कि बताया मैंने, ठीक है भाई। पे आने वाले बाजार सीधा अपन वहाँ पे कुछ खाए पियेंगे ऐसे मजे करेंगे। पार्टी मेरे पास पैसे नहीं है, पार्टी अपने को चैनी देगा हमारे बड़े भैया। चैनी नहीं घर पे भाई, गल कहवे आ मामे दे मुंडे अपने आप आए ना इथे 100 के फ्लोर दी मामे दा मुंडा ना। हां पार्टी कौन देगा मामे दे बुआ दे मुंडे दे जेडी जी फैंस आओ को आना। बैठो जी बैठो, मैं बैठा बैठ बैठ। You got me thinking now, should I take it or leave it out? तो गाइज अभी शॉप पर तो आ चुके हैं एंड देखते हैं कुलदीप भैया को कौन से अच्छे कपड़े पसंद आते हैं। और यहाँ अभी ये देखो भैया अभी दिखा रहे हैं ब्लैक शर्ट टी शर्ट। अच्छा टी शर्ट ले आने हो यार, टी शर्ट थोड़ा ना पाओगे यार भाई, यार टी शर्ट पाओगे थल्ले आप। सो गाइज अभी चश्मों वाली शॉप पर आए थे चश्मे खरीदने के लिए कल जो वेडिंग है भैया की उसके लिए। ए
एंड गाइस यहाँ पे चश्मे खरीद लिया अलग अलग टाइप के अपन ने, सो काफ़ी बढ़िया बढ़िया चश्मे खरीदे, मस्त मस्त बिल्कुल। सो गाइस कार में आ चुके हैं अचानक से अपने, तो पापा ने पिकअप कर लिया था शॉप से अपने को और चश्मे वगैरह सब ले लिए। ठीक है अब सीधा जा रहे हैं घर पे, वहाँ पे रेडी सेडी होंगे और फिर निकलेंगे अपन जागो के लिए। ओके ये देख लो और सो गाइस जैसे ही मैं अपने चाचा जी के घर पे पहुंचा, यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे है आज मैरिज एनिवर्सरी मेरे चाचा जी और मासी जी की। सो बस वही सेलिब्रेट करने वाले हैं अपन आज। सो यहाँ पे पापा जी आ चुके हैं गाइस अपने, सबसे पहले केक खिलवाने के लिए चाचा जी को और फिर मासी जी को। आ जाओ उन्हें तो बढ़ाओ,